नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना गलत, मतपत्रों से चुनाव करवाने की मांग को किया खारिज। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता का किया दावा, किसानों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इसरो पटना में खोलेगा अनुसंधान केंद्र, राज्य के छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने का मिलेगा मौका। और नालंदा के सिलाव का प्रसिद्ध खाजा बना राज्य का पहला जीआई टैग हासिल करने वाला मिठाई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाना गलत है। पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश में चुनाव मतपत्र के माध्यम से नहीं बल्कि ईवीएम से ही कराए जाएंगे। श्री अरोड़ा ने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए जहां अलग अलग परिणाम मिले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह तकनीकी तौर पर दुरुस्त है और इसमें छेड़छाड़ किया जाना असंभव है। श्री अरोड़ा ने कहा कि ईवीएम में खराबी आना और इसमें छेड़छाड़ किया जाना दो अलग अलग बातें हैं, इन्हें मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री अरोड़ा ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से बिहार में एक चरण में चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। उन्होंने किसानों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। श्री कुमार ने कहा कि यदि किसी किसान को यूरिया प्राप्त करने में परेशानी हो रही है तो वे किसान निदेशालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0612-2217-103 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पटना में अनुसंधान केंद्र खोलेगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा गुवाहाटी, कन्याकुमारी, वाराणसी, जयपुर और कुरुक्षेत्र में भी ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्रों को उपग्रह बनाने और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। श्री सिवन ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार से बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि इस कदम से इसरो का विस्तार पूरे देश में हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने को असंवैधानिक बताने पर राजद की कड़ी आलोचना की है। श्री पासवान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं हुआ था। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इस बार सरकार ने संविधान संशोधन कर नई धाराएं जोड़ी है, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रावधान को खत्म नहीं कर सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि आरा सासाराम रेलखंड का विद्युतीकरण किया जाएगा। आरा में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार यातायात व्यवस्था से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के विकास पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आरा सासाराम और आरा मोहनिया फोरलेन रोड के सर्वे का काम भी जल्द ही शुरू होगा। भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे किशनगंज जिले के श्रीपुर में बीएसएफ के जवानों ने भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे एक बांग्लादेशी तस्कर को मार गिराया। बीएसएफ के डीआईजी अमृत लाल तिर्की ने बताया कि भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे तस्कर को रोकने पहुंचे बीएसएफ के जवान पर उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तस्कर मारा गया। एएनएम कर्मियों ने अपना हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। हड़ताली कर्मियों के संघ की राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक के साथ हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। बैठक में एएनएम के बकाये वेतन का भुगतान जल्द करने पर सहमति बनी है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को हड़ताल के 42 दिनों के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। राज्य में नो वर्क नो पे नियम लागू होने के कारण समाज कल्याण विभाग ने यह निर्णय लिया है। सीबीआई ने अररिया और मधेपुरा के दो आश्रय गृहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अररिया में सरकार द्वारा संचालित बाल सुधार गृह की सुरक्षा में तैनात बिहार पुलिस के जवान वीर बहादुर सिंह को मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब तक सीबीआई 10 आश्रय गृहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीआईएसएस की रिपोर्ट के आधार पर जांच एजेंसी 12 और सुधार गृहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नालंदा जिले के प्रसिद्ध सिलाव खाजा को जीआई टैग मिल गया है। यह बिहार की पहली मिठाई है जिसे जीआई टैग मिला है। अब सिलाव के खाजा उत्पादक जीआई टैग अपने उत्पाद पर लगाकर बिक्री कर सकेंगे। यह टैग प्रमाणित करता है कि सिलाव में बनने वाला खाजा अपनी गुणवत्ता के कारण अनूठा है। इस स्थान के अलावा कहीं और इस उत्पाद की बिक्री सिलाव खाजे के रूप में नहीं की जा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह आज पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी स्थित मठ बनवारी में मदर डेयरी के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र की स्थापना से स्थानीय दुग्ध उत्पादकों और किसानों को काफी लाभ होगा। पटना विश्वविद्यालय के कल होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल होंगे। समारोह में विभिन्न संकायों के 38 टॉपरों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 23 छात्राएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दुर्गेश नंदन के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दुर्गेश नंदन का गुरुवार को राजधानी के एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया था। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के तेलियाडी गांव के ढपड़ी मोड़ पर अपराधियों ने देर शाम दो लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने कार पर पहले बम फेंका और बाद में गोलियां चलाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना जिले के खिरी मोड़ थाना क्षेत्र के कोहिडरा गांव से पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं भगवानगंज थाना क्षेत्र से 1 नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार नक्सलियों की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। मधुबनी जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में अभियुक्त मोहम्मद तबरेज को मृत्यु तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। दानापुर रेल मंडल के क्यूल स्टेशन पर एक ट्रेन से पुलिस ने 1 दर्जन अर्द्धनिर्मित पिस्तौल बरामद की है। वहीं लखीसराय जिले के बरहिया थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव से पुलिस ने हथियार तस्कर पंचम सिंह समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव से बिहार पुलिस के जवान उदय रजक को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। पटना जिले के राजीव नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर स्थित एक निजी बैंक में पिछले दिनों हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र के मोहद्दीनगर अम्बेर मोहल्ला में डकैतों ने एक घर में डाका डालकर 20 लाख रूपये मूल्य की संपत्ति लूट ली। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। चुनाव आयोग की टीम के पटना दौरे से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा बोले, बैलेट की ओर लौटने का सवाल नहीं। प्रभात खबर की सुर्खी है, ईवीएम से छेड़छाड़ नामुमकिन, इसे पार्टियां फुटबॉल न बनाए। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव का ऐलान संभव। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, भारत को शीर्ष 50 देशों की सूची में लाएंगे। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, पीएम मोदी करेंगे मढ़ौरा रेल फैक्ट्री का उद्घाटन। आज ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत का विराट कारनामा। कैमूर में छात्रा की हत्या के विरोध में उग्र भीड़ द्वारा रामगढ़ थाने को फूंके जाने की खबर भी आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना गलत, मतपत्रों से चुनाव करवाने की मांग को किया खारिज। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता का किया दावा, किसानों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इसरो पटना में खोलेगा अनुसंधान केंद्र, राज्य के छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने का मिलेगा मौका। और नालंदा के सिलाव का प्रसिद्ध खाजा बना राज्य का पहला जीआई टैग हासिल करने वाला मिठाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजीरा, सिलवासा और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ दीर्घावधि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण को मंजूरी दी। पहाड़ों पर फिर हिमपात के कारण देश के कई इलाके शीतलहर की चपेट में। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच दूसरी शिखर बैठक अगले महीने। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज साइना नेहवाल का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मारिन से। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हजीरा, केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा तथा मुंबई जाएंगे। हजीरा में प्रधानमंत्री मोदी लार्सन एंड टुब्रो आर्म्ड सिस्टम परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजीरा में L&T आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हो रहा है। प्रधानमंत्री इसी जगह से नवसारी में निराली अस्पताल की नींव रखेंगे। अति आधुनिक निराली अस्पताल दक्षिण गुजरात और पड़ोसी राज्यों के कैंसर के मरीजों के लिए आशीर्वाद रूप साबित होगी। प्रधानमंत्री सिलवासा के सैली में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन आरोग्य योजना और जंगल अधिकार प्रमाण पत्रों का लाभार्थियों को वितरण करेंगे और अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुंबई में वे भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। लगभग 141 करोड़ रुपए की लागत से बने नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा क्यूरेट किया गया है। फिल्म डिवीजन के परिसर में स्थित विरासत इमारत गुलशन महल में कलाकृतियां, पुराने उपकरण, फोटो, वेशभूषा, टेप और विभिन्न यादगार वस्तुओं का एक दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित होगा। सिनेमा के उद्भव मौन युग, चुड़ियों युग समेत 9 वर्गों में इस संग्रह को विभाजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संग्रहालय का आज उद्घाटन होने जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत ने परमाणु ईंधन भंडार बढ़ाने के मकसद से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परमाणु ऊर्जा विभाग और उज्बेकिस्तान की नोवई खनिज कंपनी के प्रतिनिधियों ने अनुबंध का आदान प्रदान किया। उज्बेकिस्तान विश्व में यूरेनियम का 7वां बड़ा निर्यातक है। एक्जिम बैंक ने उज्बेकिस्तान में आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ अमरीकी डॉलर के ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए उज्बेकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने मिर्जियोयेव के साथ बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को फैसले की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कुल 14 फैसले लिए और इनमें सबसे अहम फैसला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 12 जनवरी के फैसले को राज्य में लागू किए जाने से संबंधित है, जिसके तहत आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% का आरक्षण दिया जाना है। उन्होंने कहा कि यह आदेश इस वर्ष के 14 जनवरी से प्रदेश में लागू होगा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित आरक्षण किसी भी अन्य श्रेणी के आरक्षण में किसी किस्म की दखलंदाजी किए बिना दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सरकार ने भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए गुजरात और तमिलनाडु में 3 नए नौसेना स्क्वाड्रन की मंजूरी दी है। सरकार ने केरल और अंडमान द्वीपों में मौजूदा डोनियर निगरानी स्क्वाड्रन में अतिरिक्त विमानों के लिए कर्मियों की भर्ती की भी मंजूरी दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। डोनियर विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 वर्ष पहले समझौता हुआ था और जल्द ही इनकी आपूर्ति शुरू होगी। नौसेना को मिलने वाले नए डोनियर विमान में अत्याधुनिक सेंसर और उन्नत निगरानी रडार, ऑप्टिकल सेंसर जैसे उपकरण लगे हैं। इससे समुद्र मार्ग से संभावित खतरों की निगरानी के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ेगी और देश के 7000 किलोमीटर से भी अधिक के तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध और मजबूत होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है, जबकि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में कल शाम सामान्य हिमपात हुआ। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों और राज्य में अन्य स्थानों पर भारी हिमपात तथा वर्षा होने का अनुमान है। उधर हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर फिर हिमपात होने से शीतलहर चल रही है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात हो सकता है। इधर दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रहने से ठंड महसूस की गई। राजधानी के कुछ भागों में हल्का कोहरा छाया रहा। हरियाणा और पंजाब में कुछ स्थानों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर शीतलहर चल रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल आज मुंबई में दिल्ली के लिए नई राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी प्रत्येक बुधवार और शनिवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से दोपहर बाद 2:50 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:20 पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में नई राजधानी एक्सप्रेस प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार को दोपहर बाद 4:15 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:55 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंचेगी। दिल्ली मुंबई के बीच ये पहली ऐसी राजधानी एक्सप्रेस है जो गुजरात के बजाय मध्य प्रदेश से होकर गंतव्य तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 49 दिन के कुंभ मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस मेले में सृजनात्मक गतिविधियों का बड़ा केंद्र कलाग्राम आकर्षण स्थल बना हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कलाग्राम में 13 पवेलियनों का निर्माण किया गया है, जहां पर 7 सांस्कृतिक केंद्र अपने हस्तशिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साहित्य अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के पवेलियन भी यहां मौजूद हैं। इन सबके बीच विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार भी अपनी कला से लोगों का मन मोह रहे हैं। प्रयागराज के पांडे फैमिली के सदस्यों ने कहा कि उन्हें अलग अलग संस्कृति एक ही जगह पर देखने को मिल रही है। इतनी सारी तैयारियाँ, इतनी मेहनत और सब इस तरह से अलग अलग रंग, अलग अलग चीजें, तो वो एक साथ एक जगह देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग संस्कृति को लाया गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उस चीज में बहुत बेहतरी हुई है। लोक कलाकार भी कुंभ मेले के आयोजन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन है। सरकार ने हमें कुंभ के मेले में बुलाया है, हरियाणा की ये ब्रज लोक कला है, इसका प्रदर्शन करने के लिए पब्लिक बहुत आनंद ले रही है। ये कलाग्राम 4 मार्च तक चलेगा। शशांक कुमार, कुंभ मेला शहर, प्रयागराज। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को समाप्त करने के मुद्दे पर फरवरी में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ दूसरी शिखर बैठक करेंगे। श्री ट्रंप की उत्तर कोरिया के शीर्ष वार्ताकार किम योंग चोल के साथ वाशिंगटन में मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने दूसरी शिखर बैठक के बारे में बताया। पिछले वर्ष 12 जून को दोनों नेता सिंगापुर में पहली शिखर बैठक में मिले थे। क्वालालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज साइना नेहवाल का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। कल साइना ने क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन जापान की नोजुमी ओकुहारा को 21-18, 23-21 से हराया। हालांकि किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल से बाहर हो गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्हें कोरिया की सोनवान से 23-21, 16-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। और अब खेलो इंडिया युवा खेलों की खबरों के साथ हमारे संवाददाता। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में शुक्रवार का दिन हरियाणा के लिए सबसे लाभदायक साबित हुआ। महाराष्ट्र ने भी अपनी कुल पदक संख्या 200 पर पहुंचा दी। बॉक्सिंग में हरियाणा का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा, उन्होंने 8 स्वर्ण, 8 रजत और 15 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा कबड्डी में 2 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा ने अपने खाते में कुल 10 स्वर्ण पदक जोड़ दिए। महाराष्ट्र ने कल दिन भर में 8 स्वर्ण पदकों की कमाई की, इनमें बॉक्सिंग के 5 पदक शामिल है। मध्य प्रदेश स्वर्ण पदकों की होड़ में हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर था। आज बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस के कुछ अंतिम मुकाबले अपेक्षित हैं। नितिन केळकर, आकाशवाणी समाचार, पुणे। देश का रक्षा निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाने का अनुमान है।
रक्षा उत्पादन सचिव अजय कुमार ने कल गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में गुजरात में रक्षा और वैमानिकी क्षेत्र के लिए अवसर विषय पर संगोष्ठी में कहा कि पिछले 3 वर्ष से देश का रक्षा निर्यात हर वर्ष 2 गुना हो रहा है। 3 वर्ष पहले कुल रक्षा निर्यात लगभग 1,500 करोड़ रूपये था। पिछले वर्ष नवम्बर तक ये 7,500 करोड़ रूपये हो गया और मार्च अंत तक इसके 10,000 करोड़ रूपये से भी अधिक हो जाने का अनुमान है। गुजरात सरकार ने 3 दिन के वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल विभिन्न क्षेत्रों में 56,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अधिकांश समझौते बंदरगाह और परिवहन क्षेत्र में हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, भारत को शीर्ष 50 देशों में लाएंगे को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पत्र ने उनके इस वक्तव्य को भी अहमियत दी है। व्यापार में आसानी की रैंकिंग में भारत ने 75 स्थान की छलांग लगाई है। राष्ट्रीय सहारा ने उनके विदेशी निवेशकों को दिलाए गए इस भरोसे का उल्लेख किया है, देश में सुरक्षित निवेश का सही मौका। कर्नाटक में गठबंधन सरकार में उथल पुथल के संकेत को लगभग सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, कांग्रेस की बैठक में नहीं पहुंचे 4 विधायक, गहराया संकट। उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणी कि दिल्ली बनी गैस का चैम्बर रहने लायक नहीं है, जनसत्ता ने पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी जस्टिस मिश्र के बयान को सुर्खी बनाया है कि सुबह शाम प्रदूषण और जाम। भारत के ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में हराने को सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, भारत ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार दोनों सीरीज जीती। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, वर्ल्ड कप से सिर्फ 10 मैच पहले धोनी रिटर्न्स। नवभारत टाइम्स ने इसे भारतीय क्रिकेट के लिए विराट उत्सव बताया है। देशबंधु की सुर्खी है, इसरो ने भारतीय छात्रों के लिए खोले दरवाजे, छात्रों ने बनाया सबसे छोटा उपग्रह 24 को प्रक्षेपण। नवभारत टाइम्स ने इसे शीर्षक दिया है, बच्चों का यान, इसरो की उड़ान। अमर उजाला ने पहली बार शीर्षक से लिखा है, अब मिलिट्री पुलिस में होंगी 20% महिलाओं की भर्ती। भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की घोषणा राजस्थान पत्रिका में है। पत्र ने लिखा है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बहादुर बच्चों को सलाम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजीरा, सिलवासा और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ दीर्घावधि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। पहाड़ों पर फिर हिमपात के कारण देश के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच दूसरी शिखर बैठक अगले महीने होगी। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज साइना नेहवाल का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।